अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको हरी मिर्चों का अचारी सालन बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचारी मिर्चों का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो मिर्चें ली हैं। ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं और इनको मैंने बीच से इस तरीके से कट लगा लिए हैं। इनके सीड्स मैंने नहीं निकाले क्योंकि ये इतनी स्पाइसी नहीं होती और इनमें सीड्स भी बहुत कम होते हैं। दो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, दो प्याज और थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। एक कप जाएगा इसमें दही, 8 से 10 टेबल स्पून जाएगा ऑयल, 1 टेबल स्पून सौंफ, कलवंजी, अजवाइन और ज़ीरा। एक एक टेबल स्पून है, सिर्फ जो अजवाइन है वो मैं 1/2 टेबल स्पून डालूंगी। ये जो अचार गोश्त का मसाला मिलता है रेडीमेड, ये जाएगा 1.5 टेबल स्पून जाएगा। नमक मैं हसबे ज़रूरत डालूंगी क्योंकि अचार गोश्त के मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है, चेक करने के बाद मैं डालूंगी। और हरा धनिया मैं गार्निशिंग के टाइम यूज़ करूँगी। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 से 10 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी। इसमें मैं ये पेस्ट किया हुआ लहसुन अदरक का और प्याज का पेस्ट डाल दूंगी और इसको मैंने लाइट सा ब्राउन करना है। जी व्यूवर्स, मेरा प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो लाइट सा ब्राउन हो गया है और अब इसमें मैं ये टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। इसका पहले मैं पानी खुश करूंगी। जी व्यूअर्स, इसकी सरफेस पे ऑयल आ गया है और अब इसमें मैं ये सौंफ, अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूंगी और फिर मैं इसमें डाल दूंगी दही का पेस्ट। जी व्यूअर्स, अब मैं इसका जो फ्लेम है वो लो करके अब इसमें दही डालूंगी। दही में मैंने जो अचार गोश्त मसाला तो जो था वो मिक्स कर लिया था, अब मैं डालूंगी। और अब इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाऊंगी। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा तो मैं इसमें मिर्चें डाल दूंगी। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल दूंगी। ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। ये डालने के बाद अब इसको मैं 5 मिनट्स का दम दूंगी और फिर एंड में मैं नमक चेक करूंगी कि इसमें अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं नमक डालूंगी। हमारा मज़ेदार अचारी मिर्चों का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।